वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुर्रम ब्लॉगर। तो दोस्तों सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कमिट किया था व्हीलचेयर असिस्टेंस के बारे में सारा प्रोसीजर बताने के, लेकिन दोस्तों वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता तो इसलिए मैंने उस वीडियो में ये व्हीलचेयर असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पूरी कवर नहीं की है। तो मैंने सोचा कि मैं एक पूरा नया व्लॉग बना दूँ जिसके अंदर मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझा पाऊँ और उसका सारा प्रोसीजर बता पाऊँ। तो दोस्तों एयरपोर्ट पर अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं और आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है किसी भी पैसेंजर के लिए, जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके ओल्ड एज पैसेंजर हैं जो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, या किसी भी पैसेंजर का ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी हुई है, या फिर कोई सर्जरी हुई है, या फिर कोई लेग पेन है, या कुछ भी रिक्वायरमेंट है और आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के लिए व्लॉग में पूरा बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस एयरपोर्ट पर लेनी है, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों बिना कोई वक्त ख़राब करे सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों बिना कोई वक्त ख़राब करे शुरू करता हूँ ये व्लॉग। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं, अगर आप खुद से कोई टिकट बुक कर रहे हैं एयरलाइन का, किसी भी एयरलाइन का, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, गोएयर, विस्तारा, या फिर कोई भी एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन, ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट्स या फिर कतर एयरवेज, तो दोस्तों जब आप बुकिंग अगर खुद से कर रहे हैं तो आप बुकिंग बनाएं। अगर आप ऑनलाइन खुद से बुकिंग बना रहे हैं तो वहां पर आप बुकिंग बनाएं और ऑनलाइन आप चेक कर लें कि आपको व्हीलचेयर का ऑप्शन ऑनलाइन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको व्हीलचेयर का ऑप्शन मिल पा रहा है तो आप उसके अंदर व्हीलचेयर ऐड कर दें ऑनलाइन बुकिंग बनाते वक्त, और वहाँ पर जो भी रीज़न रहे व्हीलचेयर का वो आप वहाँ पर रिमार्क्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप व्हीलचेयर का ऑप्शन आपको नहीं मिल पा रहा है और आपने बुकिंग कर ली है, तो बुकिंग करने के बाद दोस्तों आप उसी एयरलाइन के कॉल सेंटर पे आप फ़ोन करेंगे। फ़ोन मिलने के बाद आप उनको अपना बुकिंग नंबर बताएंगे जिसको PNR बोलते हैं। PNR बताने के बाद आप उनको बोलेंगे कि आपके साथ एक पैसेंजर हैं जिनको व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है। कॉल सेंटर वाले थोड़ा सा आपसे डिटेल मांगेंगे पैसेंजर के बारे में, वो सारी डिटेल आप बता दें कि किस रीज़न की वजह से व्हीलचेयर रिक्वायर्ड है, और उनको बताने के बाद आप व्हीलचेयर ऐड करा दें। उसके बाद दोस्तों प्रोसीजर रहेगा, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर आएंगे, तो एयरपोर्ट पर आने के बाद जब अगर आपके पैसेंजर थोड़ा बहुत चल पाए तो उन्हें अंदर तक एयरलाइन के काउंटर पर ले जाएं और वहां पर जो एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बताएं कि इनका व्हीलचेयर ऐड है, तो वो लोग व्हीलचेयर दे देंगे। अदरवाइज अगर पैसेंजर बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाएंगे, गाड़ी से उतर के काउंटर तक नहीं जा सकते, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ आप एयरपोर्ट के बाहर रह के कैसे एयरलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे व्हीलचेयर कैसे बाहर मंगा सकते हैं आपकी गाड़ी के पास। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाता हूं मैं कहां पर आपको कैसे कॉल करना है व्हीलचेयर की। दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर जब भी आप एयरलाइन के साथ बुक करते हैं व्हीलचेयर, उसका कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना होता है। ये एयरलाइन का ड्यूटी है पैसेंजर को व्हीलचेयर देने का, और उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। और दोस्तों अगर आप किसी एजेंट से बुकिंग बनवा रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अगर पर्सनली जाके एजेंट से टिकट बनवा रहे हैं तो उनको बता दें कि आपको किस पैसेंजर के लिए व्हीलचेयर चाहिए होगी, तो वो आपको एजेंट व्हीलचेयर बुक करा के देगा। क्योंकि जो भी एजेंट होते हैं उनके पास सभी एयरलाइन के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं डायरेक्ट, और कॉल सेंटर पे बात करके भी वो लोग बुक करा के दे सकते हैं। तो जब अगर आप टिकट के लिए पैसे दे रहे हैं एजेंट को, तो उनको साफ और क्लियरली बता दें कि हमें एक पैसेंजर के लिए उनका नाम बता के कि व्हीलचेयर चाहिए होगी, और आप एक व्हीलचेयर भी ऐड करा दें जब आप हमारा बुकिंग का टिकट बनाएंगे, व्हीलचेयर उसमें ऐड ज़रूर करा दें। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि आप अगर एयरलाइन के साथ व्हीलचेयर बुक करते हैं तो उसका कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना होता है, एयरलाइन खुद से व्हीलचेयर आप के पैसेंजर को प्रोवाइड कराएगी और जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफ़िल करेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का ख़ास तौर से आप ध्यान दें। तो दोस्तों अब मैं दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में डिपार्चर में गेट नंबर 5 के सामने, जैसे ही आप अपनी गाड़ी रोकेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इस तरीके से एक फ़ोन लगा मिलेगा जिसके ऊपर व्हीलचेयर असिस्टेंस का डायरेक्टरी का पूरा एयरलाइन का फ़ोन नंबर रहता है, तो आप उनको कॉल करें। ये देख लीजिए मैं फ़ोटो में दिखा देता हूँ, ऐसे सारी एयरलाइन के नाम और उनके नंबर लिखे होंगे। इस फ़ोन को आप उठाएंगे, वो नंबर डायल करेंगे, डायल करने के बाद आप उनको बोलेंगे कि आप गेट नंबर 5 के सामने थर्ड लेन या सेकेंड लेन या फर्स्ट लेन में खड़े हुए हैं पैसेंजर के साथ, और आप एक व्हीलचेयर बाहर भेज दें। अगर आपके पैसेंजर थोड़ा बहुत भी नहीं चल पाते हैं तो ये प्रोसीजर आपको करना है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है आपको और फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो दोस्तों फिर आपको काउंटर तक ज़रूर
चलकर जाना ही पड़ेगा पैसेंजर को लेके, जो भी पैसेंजर जा रहे हैं उनको, और तभी वहाँ पर आपको व्हीलचेयर मिल पाएगी। तो दोस्तों ये था एयरलाइन के साथ व्हीलचेयर का प्रोसीजर। अब मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि आप अगर एयरलाइन से बुक नहीं करते हैं तो भी एयरपोर्ट पर एक ऐसी सर्विस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप एयरपोर्ट पर आकर व्हीलचेयर बुक कर सकते हैं, और उसका आपको जो चार्जेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इनका काउंटर देख लीजिए, गेट नंबर 5 के सामने ये काउंटर राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा लिफ्ट के बराबर में। इनकी कंपनी का नाम रहेगा एयरपोर्ट क्रस। तो एयरपोर्ट क्रस का वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये व्हीलचेयर देख लीजिए, इनकी बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर मिलती है डिपार्चर में, और इस जगह पर आप बैग रख सकते हैं, करीब 2 बैग आप रख सकते हैं पैसेंजर के। अगर पैसेंजर अकेले हैं और व्हीलचेयर पे जा रहे हैं, 2 बैग रख के ये व्हीलचेयर लेके जाएंगे, बैटरी व्हीलचेयर। इसमें स्टाफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हैसल फ्री रहता है, और इसमें पैसेंजर को भी इजीली डिपार्चर तक, गेट तक ये लोग छोड़कर आते हैं। तो इनका ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं व्हीलचेयर, और काउंटर पर आकर डिपार्चर में भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका रेट मैं बताना चाहूँगा, ये व्हीलचेयर आप इनकी देख लीजिए कितनी अच्छी हैं। इनको जो डिपार्चर में है बैटरी व्हीलचेयर मिलेगी, बट अगर आप अराइवल के लिए बुक कर रहे हैं, अगर अराइवल में कोई पैसेंजर आ रहा है तो उसके लिए आपको नॉर्मल मैनुअल व्हीलचेयर मिलेगी, जैसे कि एयरलाइन से मिलती हैं। दोस्तों ऑनलाइन बुक करने के लिए इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर भी आप व्हीलचेयर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दोस्तों इनका जो एयरपोर्ट पे चार्जेस है काउंटर पर आने के बाद, अगर आप व्हीलचेयर लेते हैं तो 1180 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे पर पैसेंजर पर व्हीलचेयर। व्हीलचेयर में होने के बाद फिर ये लोग आपको एयरलाइन काउंटर पर लेके जाते हैं। तो एयरलाइन काउंटर इमिग्रेशन और सिक्योरिटी में व्हीलचेयर होने की वजह से आपको एक स्पेशल लाइन मिल जाती है, बाकी पैसेंजर से आप अलग हो जाते हैं, और आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस की वजह से सारी चीज़ों में थोड़ी आसानी हो जाती है। आपको इमिग्रेशन में भी अलग से काउंटर पे जाना होता है, सिक्योरिटी में भी अलग से लाइन में जाना होता है। तो दोस्तों व्हीलचेयर के बारे में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको इस चैनल पर लाकर देता रहूँगा। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और हर किसी के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अगर मैं थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाया हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।